तरसे दिल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन डेज विद मी। ई वाला ब्लॉग आज मैं बंगाली में ऑलरेडी वीडियो कर लिया था, पर हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर दूंगी सेम चीज़। तो आज एक पार्टी में जा रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन डेज विद मी। आज के प्रचंड बिस्टि बाहर देखते और आज के छुटर दिन और ये बिष्टिर दिन आईआईटी बोम्बे जो मेरे क्लाब आखने आज के एक पार्टी करब, मनसून पार्टी। तो हमें पकोड़ा भेजे नहीं पकोड़ा भेजे, चलो एक देखे नी। हमारी स्नैक्स पार्टी होगा, तो हम क्लब से बाहर से कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे, घर से हम सब फ्रेंड्स खुद से कुछ बना के लेके जाएंगे। मैं तो मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा जिसमें स्पिनच, धनिया, कैबेज, ऑनियन सब कुछ देके बना लिया, फ्राई भी हो गया, अभी बॉक्स में पैक भी कर लिया, तो अभी जाऊंगी। तो पकौड़ा भेजे नहीं पकौड़ा पैक करो नहीं रेडी हो गई देखते। तो पड़े एक शाड़ी पड़े चांदेरी शाड़ी जाते मनसून थीम बोले ब्लू थीम हो जाते अम्ब्रेला आछे, एटा परफेक्ट मनसून ड्रेस होच्छे। आर तार साथे इंडिगो क्लॉथे ज्वेलरी पड़े, एखाने बैंगल पड़े, सादा वाच पड़े। तो आर एर साथे आमी एकटा कटनेरी ब्लाउज पड़े और एखाने ब्लू और कड़ी दिए एकटा गयना पड़े, जाते किना उडेन कोम दिए एकटा पेंडेंट आछे। तो এই হচ্ছে আজকের গল্প, চলুন বেরিয়ে যাই। অলরেডি আমি একটু লেটে রান করছি, বাট ঠিক আছে, ইটস ওকে, আর বেরিয়ে যাব। কিন্তু আমার শরীর তেমন একটা ভালো নেই, স্টিল আমি যাব, কারণ গিয়ে বসে থাকব, একটু আনন্দ করব। অল্প ক্ষণের জন্য পার্টি হবে, তো দেড় ঘন্টার মতো, তো আনন্দ করে চলে আসি। চলুন আপনারা সাথে চলুন, সাথে থাকুন। আজকে কি হচ্ছে একটু একটু দেখাবো, খুব বেশি দেখাবো না, তার কারণ সবাই থাকে, তো অনেক সময় এরকম ধরনের জিনিস আমি তুলি না। তো চলুন সাথে থাকুন। घर से बाहर आ गई हूँ, तो मैं हमेशा करती हूँ कहीं पे जाती हूँ तो ये सामने वाला रास्ते में पिक्चर उठाती हूँ, तो आज भी थोड़ा सा पिक्चर क्लिक कर लिया। बहुत ही अच्छा मौसम है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं है। शाड़ी तला भीजे गल तर कारण हे बिस्टि तो मैंने माझे माझे जोरे चले आस, तो ग्यारेज अब्दी जेते जेते शाड़ी तला भीजे गल की करा जाए, तो कारे को जाधा नहीं, साथे थकूँ, भल लगे क्योंकि परिवेशा। गैरेज तक जाते जाते घर से मेरी साड़ी के नीचे, क्योंकि रोड में पानी है ना, तो साड़ी भीग गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। मैंने कार में विंडो खोल दिया क्योंकि हवा जो आता है वो अच्छा लगता है। तो मैं आ गई हूँ, ऊपर जाऊँगी। ये मेरा हमारा क्लब का रूम है। पीछे गेम चल रहा है, हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं पता चल रहा है हंसी के आवाज़ से। तो डिफरेंट टाइप के गेम, जो बच्चों वाला गेम ही है, ऐसे ही मजाक से हम लोग खेले, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। और सब लोग घर से खाना लेके आए थे, तो वो भी बहुत ही टेस्टी था। वैसे बाहर बारिश हो रहा है और हम लोग ऐसे टेस्टी खाना सब लोग खाएँगे। ऐसे बोलते हैं खाना तो एक बहाना है, हमारा मिलना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऐसा ही है। तो गेम वेम हो गया, डांस वांस भी होगा, तो अभी सब लोग ऐसे प्लेट सजा रहे हैं। तो बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत ही टेस्टी खाना था। हमारे एक फ्रेंड चाय भी लेके आए थे फ्लास्क में, और चाय भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बाहर इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है और मैं अपना प्लेट भी ले लिया, उसके बाद हम लोग और भी इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लब रूम है इसका एक स्लॉट होता है, तो स्लॉट के अंदर छोड़ना पड़ेगा नेक्स्ट स्लॉट के लोग अगर आ जाएंगे। तो हम ऐसे ही थोड़ा बहुत रील बना लिया, तो रील का मैं ऐसे थोड़ा सा डर रही थी कि यहाँ पे देने के लिए कॉपीराइट आ जाता है, क्योंकि हम साथ में बात कर रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो बहुत सारी रील बनाई, तो ऐसे म्यूजिक, बिना म्यूजिक के रील बनाई, बाद में मैं म्यूजिक डाल दिया थोड़ा थोड़ा। ये सब इंस्टाग्राम में मिल जाएगा आप लोगों को, मेरी इंस्टाग्राम के जो पेज है वो है गोल्डन डेज विद मी, उसमें आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को ये रील्स मिल जाएंगे। तो मैंने सेम रील भी ये दो तीन गाने में बना दिया कि
किसको कौन सा पसंद आए पता नहीं। तो मैं जब खुद के लिए बनाती हूँ, अकेली बनाती हूँ, तो मेरी पसंद के गाने बनाती हूँ। पर अभी टू टाइप्स का गाने से ये वाला ब्लॉग मैं ये वाला रील मैंने बना दिया, तो ब्लॉग में भी थोड़ी थोड़ी रख रही हूँ। तो ये भी एक एक्सीडेंट हुआ था बोलते हैं ना, तो हम लोग बना रहे थे, मैं डांस किया और उसके बाद मेरे फ्रेंड मनीषा ने किया, फिर मोबाइल गिर गया। तो ये सब भी एक बहुत मतलब बहुत इंजॉय हुआ था कि बहुत हंसी आ रहा था। बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रहा था, हम लोग अभी जाएंगे, उसके पहले मैं थोड़ा सा वीडियो कर लिया, पिक्चर उठा लिया, सभी लोग कर रहे थे। सब लोग अपने अपने बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर खींच रहे थे, तो मैंने भी पिक्चर उठाई। क्लब की फ्रेंड जिसने मुझे हेल्प किया, तो हम लोग ग्रुप पिक्चर बहुत सारे उठाई, क्योंकि मैं मानती हूँ कि कोई भी इवेंट हो जाए ना, उसका पिक्चर रखना चाहिए, क्लिक करना चाहिए बहुत सारे पिक्चर, क्योंकि हम भूल जाएंगे। ये पिक्चर हमें याद दिलाते हैं कि कैसा था वो दिन। तो मैं इसीलिए बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब बहुत एज हो जाएंगे तब देखूँगी मैं फ्रेंड्स के साथ क्या करती थी। और यहाँ पे हम लोग सब फ्लोट करके आए हैं, किसी का घर ये कैंपस नहीं है, तो यहाँ पे जब आए हैं तो ये इंजॉय करना चाहिए ये जगह, सब लोग मिल के रहना चाहिए। और ऐसे पिक्चर वीडियो रहेंगे तो हमें याद रहेंगे बाद में कि हम लोग ये किया था वो किया था। तो हम लोग ऐसे जो एक्टिविटी एरिया उधर से बाहर आ गए, उधर भी हम लोग पिक्चर उठा रहे थे। ये है प्रियंका, न्यू फ्रेंड, आज ही मेरे साथ फर्स्ट टाइम प्रियंका के बात हुई। तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर उठा रहे थे। तो मनीषा, वर्षा, प्रियंका और मैं, हम चारों बहुत सारे एंड में पिक्चर उठाई और बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे इंजॉय करना। और हम तीन लास्ट ये वाला पिक्चर उठाई, हम तीन एक्चुअली एक साथ घर आएंगे, तो लास्ट वाला पिक्चर उठा लिया। तो ये था हमारे शक्ति मानसून पार्टी, जिसमें हम लोग स्नैक्स एंड पकौड़ा पार्टी किया था। बहुत दिन बाद ये पार्टी हुआ था। अभी हम लोग घर जाएंगे, तो हम लोग निकलपुरे, यस ये है IIT बॉम्बे कैंपस, देखिए कितना खूबसूरत नहीं लग रहा है, फिल्मों जैसा होता है तो ऐसे ही होता है। तो घर आ गया है, ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। मेरी फ्रेंड वर्षा कार ड्राइव कर रही है और हम तीनों जा रहे हैं। कौन कौन, मैंने लास्ट वाला पिक्चर दिखाई ना, हाँ मैं, वर्षा और मनीषा। तो ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में।